OFDMA हमारे पास एक स्पेशल केस है FDMA का, जिसमें हम यूज़र्स को सेट ऑफ सब कैरियर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओवरलैप होते हैं। इन सब कैरियर्स को हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि ये आपस में ऑर्थोगोनल हों। इसमें हमारे पास सेम बैंडविड्थ यूज़ होती है विद को और कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दो प्लॉट्स गिवन है, एक FDMA का है और एक OFDMA का है। FDMA में हमारे पास गार्ड बैंड यूज़ हो रहा है हर कैरियर के बीच में, और इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो चैनल बैंडविड्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जबकि इस ड्रॉबैक का सलूशन क्या था, OFDMA, इस OFDMA में हमारे पास क्या है, कोई गार्ड बैंड यूज़ नहीं हो रहा और सारे जो सब कैरियर्स हैं वो ओवरलैप हुए हैं। इससे हमारी चैनल की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी और चैनल बैंडविड्थ भी बहुत कम कंज्यूम होगी। एग्जॉशन ऑफ स्पेक्ट्रम, हायर डेटा रेट्स और हायर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, ये तीनों चीज़ें हमें OFDMA प्रोवाइड करता है। OFDMA में हमारे पास कुछ एडवांटेजेस WCDMA के भी हैं, जैसा कि बैंडविड्थ स्केलेबिलिटी, कैरियर एग्रीगेशन एंड लो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, हर ब्लॉक हमारे पास 15 किलो हर्ट्ज़ का है। इसमें हमारे पास OFDMA अपने यूज़र्स को सबसेट कैरियर प्रोवाइड कर रहा है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। OFDMA अलाउ करता है मल्टीपल एसेस और डिफरेंट बैंडविड्थ अकॉर्डिंग टू देयर यूज़र अवेलेबिलिटी। OFDMA में हमारे पास कोई गार्ड बैंड यूज़ नहीं होता है। थैंक्स।